आपका खत? जी नहीं, ये मेरा खत नहीं है, मेरा खत तो इससे बहुत बेहतर है। आप हैरान होंगे, मैंने अपना नाम लिखा जी, तो दिखाया उसको कातिब को जी जी, तो कातिब ने मुंह में उंगलियां डाली। अल्लाह, ये किताबत से मुझे शौक है। देखो, हर हसीन फन अच्छा लगता, जिसे आप क्या कहते हैं फनून लतीफा, वो सारे अच्छे लगते हैं, लेकिन वो एतदाल में हो। ये खत आपका इतना खुश रख कैसे हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? मैं शौक, शौक। कोई चीज गाइड नहीं करती आपको, मछली को पानी में रास्ता कौन दिखा? वाह वाह वाह, ये देखिए। विदिन नो टाइम आप ही देखिए, आप एक मिनट लगाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी शायरी फारसी तदरीस के अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा इस पर तवज्जो और ध्यान देते, अगर आप दो चीज़, ये बल्कि आपने जो सवाल किया है उसमें दो पहलू हैं, लेकिन इसमें एक और पहलू भी है, और वो ये है कि मैं या शायर होता जो मैं हूँ, या फिर खुशनवीस होता, या फिर अदाकार होता। आप अंदाज़ा कीजिए, यहाँ दिलीप कुमार साहब आए और मैंने चंद उन्हें उन पर नज़्म लिखी, दिलीप पर। अच्छा जी। यहाँ आए तो मैंने नज़्म में ये उन्हें बताया कि दिलीप को बता रहा हूँ कि अदाकारी क्या होती है। बड़ा आदमी है, बड़ा ज़र्फ है, हम उसके मुकाबले कुछ, वो बहुत बड़ी हस्ती है। मुझे कहता है ये शख्स किसी दिलीप से कम नहीं है। ये कॉम्प्लीमेंट, सही सही। अच्छा, उसे जो मैं बता रहा हूँ अदाकारी क्या होती है, कि नूर साहब हमें पता नहीं अगले लम्हे क्या होना है, नोबडी नोज, नेक्स्ट मोमेंट इज ए सरप्राइज, कुछ पता नहीं। बिल्कुल ठीक। लेकिन जिदा रोल लिखे है, जिसका स्क्रिप्टेड रोल है, उसको तो पता है। अल्लाह, उसको तो पता है कि मैं हूं डिगना। वो जो उसे पता है उसको इस तरह गुजारे कि जैसे नहीं पता, ये अदाकारी है। तो बहरहाल दिलीप साहब की मोहब्बत है, उनका ज़र्फ़ बड़ा है, उन्होंने मुझे बहुत दाद की।